आजकल तो टायर जला के लोग भी क्रांतिकारी बन जा रहे हैं, रोड में टायर जलाना भी क्रांतिकारी कदम है। देखिए, हम लोग टायर जला के नहीं आए, हम लोग अपने विचारों के साथ आए हैं। जो हम लोग के पास शिक्षा है, जो हमारी जानकारी है, और सबसे खास बात जो निडरता है, बेबाक तरीकों से हम लोग बात को किसी के सामने रख देते हैं तार्किक होकर, तो उस कारण हम लोग यहाँ तक आए हैं। टायर जला कर नहीं आए, हम लोग को टायर जला कर आना हो तो टायर जलाने वाले फिर टायर के जलने के साथ साथ उसकी जैसे आग की लपटें कम होती गई वो समाप्त होते गए, हम लोग आज भी दहक रहे हैं। तो रीज़न है कि हम लोग जो तैयार हुआ है हमारे पीछे वो कहीं ना कहीं नियति की मांग। जो दिखता है आपको, जो चल रहा है ये वातावरण को भी, कभी चेहरे के पीछे कई चेहरा, ध्यान रखना। जो सामने दिख रहा है वो अपना कई कारणों से दिख रहा है, कई कारणों से काम कर रहा है, और उसका कारण क्या है? सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को बल देने के लिए वो कुछ काम चल रहा है, राजनीतिक गतिविधि चल रही है। सचेत रहते हुए झारखंड और झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए आप सभी को काम करना पड़ेगा और बेहतर निर्माण की आपको पहल करना पड़ेगा। तो हम तो महोदय से यही कहना चाहेंगे, केंद्र में आपकी सरकार है, जिस सरकार के साथ आपका गठबंधन है केंद्र में, उसका वर्चस्व है। अडानी का मैटर है, NTPC का मैटर है, आप इसको रखिए, आपके सांसद हैं उनके माध्यम से रखवाइए कि लोकसभा के भीतर इन बातों को। तो आप के उनके कहने से नहीं होगा, आज जनता चीज़ों को समझती है। और उदाहरण के लिए, जैसे ही हम लोग JMM बाहुल क्षेत्र में पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि ये तो ISU की तरफ से आया। जैसे हम लोग ISU के क्षेत्र में पहुंचते हैं, JMM की तरफ से आया, उनको बोलिए बैठे टेबल पर चाय पिए, मतलब एकदम ठंडे दिमाग से सोचे कि हम लोग किसके तरफ से हैं। वे लोग ये आरोप चलेंगे, आरोप इसलिए भी है क्योंकि पहली बार कोई एक आवाम ऐसी खड़ी हुई है जिसमें चंदा नहीं चलता है, जिसमें लोग अपनी भावना से अभी तो देखिए महिला लोग को लाना भी हाँ हमें लाना भी नहीं पड़ता। अभी जो महिला लोग थी आप देख सकते हैं, उन लोग बोली कि 10-10 रुपया करके चंदा करके आई, अभी बुढ़ा खाप की महिला 10-10 रुपया चंदा कर 10-10 रुपया चंदा करके आई है और गाड़ी करके आई है, तो सोच सकते हैं कि मतलब क्या जुनून है उन लोगों का। तो ये चीज़ें उनको मन खाई जा रही है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल सिर्फ दर्द के कारण, लोग दुखी हैं। झारखंड में उस बिल्ली की तरह अवसर खाने वाले नेता नहीं चाहिए, जो बंटवारा करती थी ना बिल्ली बैठ कर, वो नहीं चाहिए। झारखंड को एक कैरेक्टर, एक चरित्र चाहिए। झारखंड के लिए सोचने वाला, हर विषय पर सोचने वाला नेतृत्व चाहिए झारखंड को। और मैं आपको उस तरह से तैयार करना चाहता हूं, मैं पार्टी के वर्कर को उस रूप से देखना चाहता हूं। आप तैयार है ना? आप इस तरह से अपने समय पर जो होना है होगा, आएगा, लेकिन आपका रोल स्पष्ट होना चाहिए। पार्टी इसी साल सितंबर महीना के अंत और अक्टूबर में के बीच में पार्टी का राज अधिवेशन होगा। प्रत्येक गांव में एक पिलर मेंबर तैयार करना, उसके नीचे चूल्हा प्रमुख तैयार करना, पार्टी के पंचायत इकाई से लेकर प्रखंड से जिला तक का पुनर्निर्माण का दायित्व आपको मिला है। इस दायित्व को लोकसभा स्तर पर आप पूरा करें। दूसरे दल के लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो की जो, हालांकि पार्टी तो अभी बनी नहीं है, समिति ही है, ये लोग जीताऊ नहीं बल्कि वोट कटवा टाइप से साबित हो। देखिए, ये तो खैर समय बताएगा, और जो लोग बोल रहे हैं उनको समय ही उत्तर देगा। हम तो वोट कटवा और क्या, हम लोग तो पॉलिटिक्स में ही नहीं आना चाहते थे। आप लोगों ने लाया, आप लोग लगातार गोंद रहे हैं मुद्दों के साथ, जो भी मुद्दे आज झारखंड को जला रहे हैं ना। अगर वो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, अगर वो लोग अच्छा काम करते हैं, अगर वो तमाम जो मुद्दे हैं जिन पर वो गोंद रह रहे हैं उन मुद्दों को अगर रख पाते हैं, तो हम लोग का उपज ही नहीं होता। क्यों उपज होता? हम हैं कौन? हम हैं कौन? हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं, हमारा कोई मतलब दूर दूर तक कोई संबंध नहीं राजनीति से हमारा। तो कहीं ना कहीं उनकी नाकामियों ने हमें यहाँ तक लाया है। तो जब उनकी नाकामियों ने हमें यहाँ तक लाया है तो हमें लगता है आगे भी हम लोग बेहतर करेंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहाँ है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.